बाबा याद है ना मेरे स्कूल का पहला दिन, मैं बहुत रोई थी। आप और अम्मी दोनों कितनी देर तक बैठे रहे थे। याद करें जब मैं बीमार हो गई थी तो पूरी रात आप दोनों जागते रहे थे। दादी भी बार बार कमरे का चक्कर लगा रही थी। एक दफा याद है मेरी पिंक फ्रॉक और उसके ऊपर नीला क्लिप, मैंने जिद की थी कि क्लिप भी मैचिंग का होगा। आप रात को बाजार भागे थे, अम्मी कितनी मेहनत करके मेरे लिए ईद के कपड़े बनाती थी, हर चीज मैचिंग की होती थी। मैं आपके साथ जाती थी चीज लेने, जब अकेले जाती थी तो अम्मी दरवाजे पे खड़ी देखती रहती थी। फिर आप लोग समझे कि मैं बड़ी हो गई, आप लोगों की नजरें चूक गई। पता नहीं मुझे कौन उठा के ले गया, मेरा मुंह बंद कर दिया था और बहुत जोर का पटका था। वो मुझे नोच रहा था, उसने मेरा गला दबा दिया। मुझे आप दोनों याद आए, मैं हाथ हिला रही थी, पांव रगड़ रही थी कि शायद आप लोग मेरा हाथ थाम लें, मगर आप लोग नहीं थे, कोई भी नहीं था और उसने मुझे मार दिया। बाबा अब रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा करें फिर कोई ऐसा ना करे। अपनी आंखों के सामने उसको लटकाएं, उसे तड़पता देखें जैसे मैं तड़पती थी। बाबा फिर किसी की गुड़िया ना रोन दी जाए, आप और दूसरे बच्चों के सारे बाबा निकलें, जो रोंदे उसे इबरत बनाएं।